ऑलराइट गाइस, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एंड एक ऐप के बारे में बताया था आप लोगों को। ऐप का नाम था फोटो रिटच एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग प्रोफेशनल तरीके से फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। गाइस, इस ऐप का आज मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स देने वाला हूँ, कैसे आप लोग एडिटिंग कर सकते हो एंड कौन सा टूल्स का क्या काम है, सब कुछ मैं इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बढ़े तो सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो वैसे चले कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले फोटो रिटच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद गाइस आप लोगों को ओपन कर लेना है फोटो रिटच एप्लीकेशन को। मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आ जाएगा। नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को एल्बम के ऊपर टैप करना है और यहाँ से एक नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, मैं एक नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर वाला जो ब्रश मिलता है बहुत ही कमल का है गाइस, ये जो ब्रश है। गाइस, किसी भी मॉडल को अगर आप लोग बैकग्राउंड से गायब करना चाहते हो या पिंपल वगैरह को अगर आप लोग रिमूव करना चाहते हो फेस से, तो गाइस इस टूल्स के मदद से आप लोग बहुत ईजिली कर पाओगे। सिंपली आप लोगों को ऑब्जेक्ट रिमूव वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसको आप लोग रिमूव करना चाहते हो बैकग्राउंड से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप लोगों को वो पार्ट टैप कर देना है और थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मॉडल है बैकग्राउंड से गायब हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, इसको मैं बैक कर लेता हूँ एंड बैक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग अगर किसी भी यहाँ पर पिंपल वगैरह को रिमूव करना चाहते हो तो गाइस इसके लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पर जाना है और गाइस जूम करके जिस चीज़ को आप लोग रिमूव करना चाहते हो कुछ इस तरीके से प्रेस करके गो कर देना है, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिंपल वगैरह गायब हो जाएगा आपका। सो गाइस, इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइस रोटेट वगैरह तो सब लोगों को पता है। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा टूल्स वाले ऑप्शन, इसके अंदर प्रेस करना है। सिंपली प्रेस करने के बाद गाइस क्रॉप वगैरह तो आप लोगों को पता है कैसे करना है। यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस लाइट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइट मैप के अंदर होता है, लाइट को अगर आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट, सबको पता है गाइस कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप लोग पहले से ही लाइट रूम यूज़ करते थे तो बहुत ही इजीली आप लोगों को पता चल चुका है कैसे इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर मैं रिटचिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट बैलेंस भी मिल जाएगा, अपने फोटो के मुताबिक से आप लोग व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पर HSL वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से गाइस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है एंड गाइस सेचुरेशन को हाई कर देना है और उसके बाद गाइस येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देना है, ऑरेंज हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है, आप लोग देख सकते हो गाइस। और अगर आप लोग ब्लैक टोन में एडिटिंग करना चाहते हो तो बहुत ईजिली कर सकते हो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके आप लोग लुमिनेशन को हाई कर दीजिए, फेस गोरा हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे करना है। गाइस, इस ऐप के अंदर आप लोग अगर रिटचिंग करना चाहते हो तो बहुत इजीली कर पाओगे किसी भी फोटो को, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ कर देता हूँ एंड राइट क्लिक। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितने इजी तरीके से मैं यहाँ पर रिटचिंग कर लिया फोटो को। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा, डिटेल्स सरपनेस और भी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। बिगनेट भी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लुक आ चुका है फोटो के अंदर। और राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद गाइस आप लोगों को आप क्या करना है, बैक आ जाना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को मिल जाएगा इफेक्ट और इस इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आप लोगों को फिल्टर वगैरह मिल जाएगा, जिसके मदद से आप लोग वन क्लिक में बहुत ही कमल की इफेक्ट दे सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। सो गाइस, इसको मैं नॉन कर देता हूँ एंड यहाँ से बैक कर लेता हूँ। करने के बाद गाइस ब्लर नाम का एक ऑप्शन है, इसके अंदर प्रेस कीजिए एंड स्मार्ट ब्लर के अंदर प्रेस करने से ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, मैं आप लोगों को बता दिया स्टेप बाय स्टेप। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। गाइस, सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर सेव वाले ऑप्शन देख सकते हो, इसके अंदर प्रेस करना है, ठीक है। एंड प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर सेव कर लेना है, सेव या शेयर कर सकते हो और रेटिंग भी दे सकते हो, 5 रेटिंग दे दिया जैसे कि मैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप समझ चुके होंगे कैसे करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। सो आज के लिए इतने, तब बाय बाय।